try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we say? I think ये वाली जो चीज़ होती है ना एक लड़की के लाइफ में बहुत स्पेशल होती है, तो उसको ब्लेम मत करो कि यार ये क्यों हो गया मुझे, इसके वजह से ये हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है. ना क्रिप मत करो, आपको अगर चाहिए तो रेस्ट ले लो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रैवल्स प्लान करो. लेकिन ये वाली चीज़ बहुत स्पेशल होती है. थैंक यू बोलो भगवान जी को कि यू गेट सो स्पेशल थिंग जो लड़कों को नहीं होती है. हम लोग राइड स्टार्ट करें और बारिश ना हुआ ये पॉसिबल नहीं है. पुणे मुंबई में आएगी और हम लोग मिलेंगे वापस. ठीक है, हाँ क्या बोलती है? ठीक है, हम लोग मुंबई में वापस मिलेंगे. पक्का प्रॉमिस? हाँ. प्रॉमिस बोल. नहीं नहीं, प्रॉमिस नहीं बोलेगी तू, प्रॉमिस नहीं बोलेगी. मम्मी को पैसे दिए चॉकलेट खाना उससे. ठीक है, पक्का प्रॉमिस. आंटी के यहाँ पर हम लोग ने 4 days रहे थे और वो 4 दिन घर जैसा फीलिंग आई थी हमें, बहुत मजा आया था. अगर आप लोग इधर आ रहे हो तो यू शुड स्टे हियर. थैंक यू आंटी. ओके बाय. वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू. फिर मिलेंगे पक्का. बाय कुने. आते समय वही हंस रही है. तो आते समय भी झूले बोलना, जाते समय भी झूले बोलना. सो हम लोग यारदम गेस्ट हाउस में रुके थे. इट इज़ रन बाय ऑल द लेडीज. सब अच्छे से, बहुत अच्छा खाना वाना, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी. अभी बजे है 10. ओडो है 2200 चला चुके हम लोग और आज का ट्रिप करेंगे 0. अभी फर्स्ट स्टॉप डिस्किट, देन पनामिक एंड फिर ले वाया खारदुंगला टॉप. गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया. तो ये रास्ता जाता है तुरतुक के लिए एंड ये रास्ता जाता है ले के लिए डिस्किट से होते हुए. लाइफ इज लाइक अ फोटोग्राफ, यू नीड द नेगेटिव्स टू डेवलप. वाह क्या मस्त थॉट है. बहुत सारे नेगेटिव्स आपकी लाइफ में मिलेंगे आपको, लेकिन आपको हमेशा उसको डेवलप करके पॉजिटिव रहना है. क्या बात बोले सुबह सुबह. सो गाइस पनामिक अगर जाना है तो खलसर के पहले एक पेट्रोल पंप लगता है, वहाँ से एक लेफ्ट कटता है, वहाँ से वार्षिक करके भी जगह है, वहाँ पे भी जा सकते हो एंड वहाँ से ही सियाचिन बेस कैंप भी जा सकते हो. बट अभी सियाचिन बेस कैंप के परमिट्स नहीं मिल रहे या फिर आप नहीं जा सकते हो. ये टाइम पे काफ़ी जगह के परमिट्स नहीं मिल रहे, जैसे हम लोग को चुशुल जाना था, हानले जाना था, तो नहीं जा पाए. बट ठीक है, जितना भी कर पाए बहुत अच्छा से कर रहे हैं हम लोग और बहुत मज़े ले रहे हैं. और आज का भी एक अपडेट बता दो, हम लोग पनामिक जाने वाले थे बट सिंस द वेदर इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट हम लोग वो स्किप करेंगे. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली खारदुंगला टॉप करके हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि बारिश जैसा मौसम लग रहा है और खारदुंगला में वापस हम लोग को फंसना नहीं है. और किरण का तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है तो पनामिक We'll have to skip. सो बुद्धा दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं. आप नूबरा या हुंदर या डिस्किट में रुकने वाले तो वो बुद्धा ज़रूर देखना, पास से जाके देखना, ऊपर जाके. और बाइक ऊपर तक जाती है, हमारा 2-3 पहले का व्लॉग देख लेना, वो एपिसोड में पूरा डिटेल में दिखाया है, ड्रोन शॉट भी दिखाया हुआ है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हो. और पता नहीं कल से मेरा दांत भी दुख रहा है, तो आज इट्स गुड दैट यू आर नॉट गोइंग टू पनामिक. मैं कल लवंग वगैरह भी दांत में पकड़ के रखा था बट कुछ हुआ नहीं, रात को अच्छी नींद आई नहीं है. क्या अच्छे अच्छे मैसेजेस है इधर. ईस्ट और वेस्ट सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट. यस डेफिनेटली. कितना 107 है. सो गाइस पनामिक ये रोड से लेफ्ट जाएंगे
तो 35 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे और ये टुवर्ड्स खादुंगला एनले। वेदर थोड़ा थोड़ा ठीक होते हुए, बट हमारा इंटरनल वेदर कुछ ठीक नहीं है। मेरा दांत तेरा दादा दुख रहा है। वाटर ब्रेक। तो अंकल जी बहुत मेस्मराइज्ड है, गर्मी में है वो सियाचिन में। चलिए बाय सर जी, थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से हम लोग परामिक नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं ले और खारदुंगला फिर से करेंगे। तो मैंने पूरा का पूरा पहन लिया है अपना, बंदोबस्त कर लिया है मैंने अपना, आज टेंशन नहीं चाहिए। तो ऐसे सब लैंडस्लाइड्स हुई है तो आपको बहुत केयरफुली चलाना है। प्लस मुझे बोलना है ये कि जो अपनी मिलिट्री गाड़ियाँ हैं बहुत ह्यूज होती है, तो उनको हमेशा साइड दे दो। एंड दे आर रियली वेरी गुड गाइज, वो लोग हमेशा अगर हॉर्न दो तो आगे जाने देते हैं, अगर सामने से आ रहे हैं तो बहुत आराम से वो लोग आते हैं। कल कुछ पता चला था कि एक बाइकर कुछ तो मिलिट्री गाड़ी के नीचे आकर एक्सीडेंट हो गई है, तो केस वेस कर दिया है या समथिंग लाइक दैट। तो मिलिट्री गाड़ी वालों की गलती नहीं होगी, वो लोग तो अपनी जान देते हैं अपनी हमारी जान बचाने के लिए, तो वो हमारी जान कैसे ले सकते यार। तो यहाँ पर बाइकर्स लोग को फ्रैंकली रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा रेंटेड बाइक्स होते हैं, हाफ हेलमेट्स होते हैं, ग्लव्स भी कटी हुई रहती है, होती है नहीं होती है। ऐसे हाफ पैंट में चलाते हुए अभी हमने बाइक देखा, एक बाइकर अफसोस से उनको बाइकर ही बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो बाइक चला रहे हैं, हाफ पैंट में बाइक चला रहे थे यार। तो लेह लद्दाख को इतना अंडर एस्टिमेट मत कर दो गाइस प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर कुछ भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। ऑलवेज डू नॉट नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंट, नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंस, बड़ी बड़ी हार्ड हो जाती है। हमेशा मेक श्योर करो, आराम से चलो, धीरे चलो। सामने वाली गाड़ी अगर नहीं जाने दे रही है तो ईगो में अगर एकदम ओवरटेक करना ही है मेरे को, अभी बताती हूँ तुझे, ऐसा सब मत करो, क्योंकि बहुत सारी टूरिस्ट गाड़ी है जो आपको ओवरटेक करने नहीं देगी। वो लोग को तो अच्छा लगता है अगर कोई बाइकर गिर जाता है तो, टूरिस्ट गाड़ी बहुत बुरी है यहाँ की, क्योंकि उन लोग को ऑब्वियसली बाइकर लोग से तकलीफ ही है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत बाइकर्स की वजह से ना सबके नाम खराब हो गए, जैसे ये एकदम आग पे आकर चलाते हैं लोग। तो नॉर्मली जो हम लोग अभी वही बात कर रहे थे ब्लूटूथ पर, कि खारदुंगला से जो नूबरा है, मतलब ले से खारदुंगला एंड देन नूबरा इज अ केक वॉक लाइक, ओके, वेरी स्मूथ एंड स्लिपरी वाला राइड है। बट उस दिन हम लोग को इतनी गंदी वेदर मिली थी, इतना गंदा मतलब सब कुछ, रोड ये जो थी वो पूरी स्लिपरी थी, और बीच बीच में जो आप ऐसे पता है पेबल्स देख रहे हो, रेत देख रहे हो, पूरा कीचड़ हो गया था, इट वॉज ऑल क्ले 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 हो गया था। तो हमारी वो राइड भी इतनी डेंजरस हो गई थी ना, बता नहीं सकती हूँ मैं यार। मतलब हम लोग के साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी है ना सिंपल नहीं है, मतलब वो केक वॉक वाली भी राइड इतनी डेंजरस हो गई थी ना। और अभी हम लोग सेकेंड टाइम खारदुंगला क्लाइंब कर रहे हैं, फ्रॉम नूबरा टू खारदुंगला एंड देन टू ले हम लोग जा रहे हैं। ये भी मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे ऐसे कि यार ये क्यों इतनी सिंपल लग रही है यार, उस दिन क्यों इतने इरिटेट हो गए थे, बारिश हो गई थी, गीले हो गए थे, ठंड लग रही थी बुरी तरीके से, हवाएं चल रही थी, तो वो वाली राइड तो बहुत अच्छी नहीं थी। आज थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, इसलिए मैं टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने ऊपर का रेनकोट और नीचे का रेनकोट दोनों पहन लिया है, मेरे को आज रिसक ही नहीं लेना है ही। उस दिन पैंट वेंट सब गीले हो गए थे यार, इतना ज़्यादा पैंट के साथ सब अंदर के लाइनर्स वाइनर्स हमारे जो भी बेस लेयर्स थे सब गीले हो गए थे, तो बहुत बहुत दिक्कत हो गई थी। और आज तो वेदर ठीक लग रहा है, अब देखते हैं टॉप तक जाने तक कुछ भी हो जाता है यार, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट वेदर ऑफ लद्दाख, नेवर। ऊपर से ये खाई के साइड में हम लोग चल रहे हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सामने से जब गाड़ी आती है दबाएगी तो फिर धाम धूम ना हो जाए धाम धूम, तो इसलिए काफ़ी 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 स्लो ही चला रहे हैं। मुझे लगता है ट्विस्टीज पे भगा कर करना क्या है यार, स्ट्रेट रोड पे भगाओ ना। और मम्मी डर लगता है नीचे बहुत डेंजर है, देखा क्या तूने? अरे मैं सोची ऐसे ही देखती हूँ लेकिन मैं डर गई, बहुत कंपन उठ गई मेरे को, मेरे पूरे बॉडी में। नहीं गाइस, मुझे ऐसा लगा था कि मैं अभी हाइट से डरती नहीं हूँ, बट डरती
जब अपन बाइक चलाते रहते ना तो रोड पे ध्यान रहता है। जब मैं सचिन के पीछे बैठी थी ना कल नूबरा से डिस्किट तक, उस टाइम पर मैं ऐसे बार बार नीचे देख रही थी तो डर लग रहा था। वो जो भी पीलियन चलाते हैं, आई लिटरली वॉन्ट टू गो डाउन एंड गिव यू अ पिक, बड़ा वाला हेड्स ऑफ कि आप लोग पीछे बैठ कर इतना राइड कर लेते हो यार, मुझसे ना हो पाई। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक आई एम अ राइडर, आई कांट बी अ पीलियन, मतलब पीलियन रहते तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी यहाँ पर रुके हैं, वो जो गांव दिख रही है विलेज, वहाँ का ड्रोन शॉट सचिन को लेना है, तो अब देखोगे आप ड्रोन शॉट। I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feel it. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Guys, आप लोग बहुत हंसने वाले हो, मैं बताऊँ क्यों? One, two, three, four, five और अंदर भी है एक six. मेरे को है ना आज रिस्क लेना ही नहीं था। जब हम लोग ले से खारदुंगला करते हुए नूबरा पहुँच रहे थे ना, तो इतनी ठंड लगी थी ना मुझे, इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी ना, और बॉटम पहना नहीं था तो पूरी गीले हो गई थी। तो मुझे आज रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैं पूरे ऊपर से नीचे आज रेडी हूँ अच्छे से। मुझे बहुत ठंड लग रही थी स्टार्टिंग में, जब राइड चल गए तो थोड़ा ड्रिजल भी हो रहा था, प्लस आज मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है। आई एम इन माई चम्स, आई एम ऑन माई पीरियड्स, सो थोड़ा बॉडी वीक रहता है इस टाइम पे लड़कियों के लिए। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल कि अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ है तो फर्स्ट डे इट्स गुड टू टेक रेस्ट, सेकेंड डे एंड थर्ड डे एंड फोर्थ डे इवेंचुअली आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको किस तरीके से होता है। आई थिंक ये वाली जो चीज़ होती है ना एक लड़की की लाइफ में बहुत स्पेशल होती है, तो उसको ब्लेम मत करो कि यार ये क्यों हो गया मुझे, इसके वजह से ये हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, ना क्रिप मत करो। आपको अगर चाहिए तो रेस्ट ले लो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रैवल्स प्लान करो, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत स्पेशल होती है। थैंक यू बोलो भगवान जी को कि यू गेट सो स्पेशल थिंग जो लड़कों को नहीं होती है। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि यहाँ पर मैं ये क्रिप नहीं करने वाली हूँ कि आई एम ऑन पीरियड्स और फिर भी मुझे राइड करना पड़ रहा है और मेरा ये हो रहा है मेरा वो हो रहा है, ना। आई हैव चूजन दिस लाइफ फॉर मी, आई हैव चूजन बाइकिंग एंड आई लव डूइंग दिस, सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिप। और सचिन आज बोल रहा था कि रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन मुझे रेस्ट नहीं लेना था। फर्स्ट डे उसने मेरे को बहुत अच्छे से रेस्ट करवाया, मैं बहुत सोई हूँ कल, एंड टुडे सेकेंड डे, सो आई थॉट दैट आई विल बी फाइन, तो चलते हैं। तो इसलिए हम लोग नूबरा से खारदुंगला होते हुए ले जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने बॉडी को वार्म रखिए ये टाइम पर, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी वीक रहती है तो ठंड बहुत लगती है, प्लस कुछ भी और हो सकता है। इसलिए अगर मैं आज राइड कर रही हूँ, टुडे इज़ वेरी क्रूशियल डे, सेकेंड डे इज़ ऑलवेज क्रूशियल डे फॉर एनी गर्ल्स राइड, सो आज मैं इसलिए इतने लेयर्स पहन ली हूँ सो दैट आई कीप माई सेल्फ वार्म और मैं कोई भी चीज़ से प्रोन ना हो जाए या मेरा तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि राइड अभी तो शुरू हुई है, बहुत सारी राइड करनी है, लेह मनाली वाली एडवेंचर भी फेस करना है, सो तब तक मस्त मस्त हो जाऊंगी मैं। जा कोई नहीं, देखा ऐसा होना चाहिए। सचिन को मैंने बोली आगे जा, लेकिन फिर भी बोला नहीं टर्न है मैं नहीं जाऊंगा। ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल राइडर आई नो। और मेरा ये ना एक ही कंपटीशन है जिंदगी में, वो है सचिन, मेरे को उसके जैसा बाइक चलाने का है। ही रियली राइड्स बाइक वेरी रिस्पॉन्सिबली एंड आई एम प्राउड टू हैव हस्बैंड लाइक हिम। ज़्यादा तारीफ हो गई ना, मेरा खर्चा पानी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। ओके गुड बॉय। वो जो खारदुंग विलेज है उसका ड्रोन शॉट्स आप लोग ने देख ही लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और उम्दा व्यू है वो विलेज का। प्लस हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग हमारा पैशन फॉलो कर रहे हैं। अचानक से पता नहीं क्यों बोलने का मन किया मेरा, लेकिन सुन लो गाइज, पैशन फॉलो करो। अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हो तो झक मार के सक्सेस आना है आपके पास। और स्टोर भी है हम लोग का, ओनली बिकॉज वी आर बाइकर्स एंड वी टेस्ट। हम लोग ना राइड पर हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हम लोग है ना जितने भी प्रोडक्ट स्टोर पे रखते हैं ना वो टेस्ट करें आप लोग के लिए, सो दैट हर एक बाइकर के पास अच्छा सामान जाए। और अच्छा सामान से मतलब है कि क्वालिटी सामान जाए। हम लोग कचरा चीज़ें नहीं रखेंगे कभी भी स्टोर पर। येस टॉकिंग इन लेमैन लैंग्वेज कि हम कचरा सामान और बिना क्वालिटी का सामान कभी नहीं रखेंगे ज़िंदगी में, कभी नहीं रखना है।
और यही हम लोग का मकसद है, बिकॉज बाइकर्स लाइफ मैटर्स, और बाइकर के पास एक अच्छी चीज़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने बाइकिंग चालू की थी तो हमारे पास वो सुविधा नहीं थी, लेकिन आपके लिए हम लोग ये करेंगे, क्योंकि अभी जो बाइकर फैटिलिटी है वो बहुत बढ़ रही है और बाइकर्स लाइफ रियली रियली मैटर्स. सो चीयर्स टू ऑल द बाइकर्स आउट देयर. और ये थोड़ा खारदुंगला का ऑफ रोड आ गया है, हर जगह लगता है टर्मैक बना डालेंगे लोग, लगता है अगले साल आएंगे तो और अच्छा रोड मिलेगा. और ये जो सामने से लोग आते हैं ना, वो बहुत ऐसे चुटक के चलाते हैं आपसे, पता नहीं उन लोग जा सकते ऑफ रोडिंग में आराम से, बट स्टिल आपको ऑफ रोडिंग में डालने के लिए मजबूर कर देते हैं, खुद नहीं जाएंगे. तो फिर बहुत केयरफुली चलाना गाइस, जितना ईजी लगता है माउंटेन पासेस उतना ईजी होता नहीं है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ बैड ट्रैफिक, और बहुत सारे पब्लिक है ना, उन लोगों को चलाने नहीं आता. बहुत सारी ऑफ रोडिंग ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, और गाइज लेट मी टेल यू, ये पूरा कीचड़ हो रखा था उस दिन यार, इतनी बारिश हो गई थी, फिर हम लोग ने गोपरू भी अंदर रख दिया था, और आज सचिन को देखो खड़े होकर इंजॉय कर रहे हैं, उस दिन स्लिप होने के चक्कर में भीगे बिल्ली जैसा चला रहा था. तो एक बात याद रखना, माउंटेन्स आर प्लेजर, ऐसा पीछे लिखा था, बट माउंटेन्स प्लेजर इसलिए देता है क्योंकि आपकी बहुत बजाता भी है. कब क्या हो जाए यहाँ पर कुछ आइडिया नहीं है. बहुत बारी तो ऐसा लगता है यहाँ पर चला रही हूँ, इधर से अगर लैंडस्लाइड हो गया बाइक के सामने तो करूँगी क्या. तो राइड करना और माउंटेन्स पे बाइक चलाने में एक चीज़ तो समझ गई यार, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कब क्या हो जाए पता नहीं, तो क्यों ना इसे जीत भर के जीते हैं. बहुत सेम यार जाएंगे पटना से. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो वी मेट अ फ्रेंड फ्रॉम यूक्रेन एंड ही सेज दैट ही लव्स इंडिया. इट्स अनइंटेलिजिबल, लाइक माय सेकंड फर्स्ट रन स्टोरी, लाइक माय कंट्री. ओह दैट्स सो नाइस. आई मीन ओपन बाय माय सेल्फ इन इंडिया, सो पीपल शुड ट्रैवल इंडिया. That's it's he says that people are very friendly here and very lovable, so that's good. And we will meet again on road somewhere, exploring some other place. Shiva gave me this chance. Yeah, so we gave him some homemade some homemade snacks jo mummy ne bana ke diya tha, and he loved it. And how are you feeling? Mast lag raha, acha lag raha. Khardungla se utar rahe, yes. थोड़ा डिजी लग रहा था, अभी थोड़ा सा स्नैक्स किया. राउंड राउंड हो रहे ना, कब से राउंड 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 हो रहे. सो यस, कल ने कोक भी दिया, सो क्यूट ना पीपल. उनको कुछ तो देना था इसके लिए दे दिया उन्होंने. वो कहां मिले थे हमें, नूबरा से उतर रहे थे तब मिले थे. वो बोले आपने बिहार का तारीफ किया, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो देना, क्योंकि वाइफ बिहार से थी. तो वो बोली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी बिहार के बारे में नेगेटिव लोग बोलते हैं, क्योंकि मीडिया न्यूज़ में वही दिखाते हैं, और वही हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे तभी वही फील आ रहा था, तो हम लोग ने भी वही शेयर किया था. तो दे वर वेरी हैप्पी कि बिहार के बारे में हम लोग के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं. नहीं ट्रूली, वहाँ पर पंचर हुआ था, अगर वो सीरीज़ नहीं देखा तो देख लो, लोगों ने इतना मदद किया था हमें यार. सो इंडिया इज़ ब्यूटीफुल. सो कुछ 20 किलोमीटर बाकी है टू रीच ले. आज अगर पनामिक हम लोग करते ना, सो ट्रस्ट मी गाइस, हम दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है. मेरा दांत की वजह से इरिटेशन हो रहा है, और किरण का तो आपको पता ही है. सो आराम से आराम से. सो आज ले पहुँचेंगे, आज रेस्ट करेंगे, कुछ अच्छा अच्छा खाएंगे ले में, थोड़ा जंक खाने का मन कर रहा है. ऑलमोस्ट रीचिंग ले, शांति स्तूपा वहाँ पे दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. 3 बज चुके हैं, सो
हमेशा जल्दी निकल के जल्दी पहुंचना बहुत सही लगता है। ये बेस्ट है इधर ही खाने का, इधर ही पास में ही अपना। अभी मेडिकल जाना है क्या? हाँ बर वही वही घुस जा। सो ये एकदम हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर ये स्पेशियस पार्किंग वाला हम लोग का ले प्लाजा।